मोर नाम के बटन पे हैंड रेज नाम का बटन है, वहाँ क्लिक करें, जो अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। आइए हम चलते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। अनिरुद्ध जी जैन, देवनंदी पेपर। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। हाँ भैया, आशीर्वाद बोलो। कई कई जगह पर गंदु जो पिया जाता है, वो भगवान का गंदु पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई अनिरुद्ध जी आपने। मुख्य रूप से देखिए, गंदोदक एक ऐसी चीज है, मैंने इसका एक बार और भी उल्लेख किया था कि मंदिर की कई चीजें हैं जो निर्माल्य नहीं होती है। जैसे आशिका है, श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, वो आशिका निर्माल्य नहीं होती, उसे हम ले सकते हैं। भगवान के जो शेषाक्षत है वो हम अपने ऊपर ले सकते हैं। भगवान के चरणों में जो लगाई गई गंध है, वो गंध हम अपने ले करके अपने माथे पर भी लगा सकते हैं, वो निर्माल्य नहीं होती है। भगवान के लिए जो दीप लगाया है, उसकी जोत हम जो लेते हैं, वो जोत हम जो लेते हैं वो भी निर्माल्य नहीं होती है। इसी प्रकार से भगवान का जो अभिषेक किया जाता है, अभिषेक करने के पश्चात जो गंधोदक है वो निर्माल्य नहीं है, निर्माल्य नहीं है, इसलिए उसे हम लेते हैं, इसलिए उसे हम ग्रहण करते हैं। अब वो ग्रहण करके हम जो है स्नानस्य गंधोदकम, हमारे शास्त्र कहते हैं नेत्र द्वंद्व रुजा विनाशन करम गात्रम पवित्री करम वातो पित्त कफादि दोष रहितम गात्रम च सूत्रम भवे कामाला चैतंकार चंकारितम श्रीमत् पार्श्वजनस्य स्नानस्य गंधोदकम। यहाँ पर ये बताया है कि गंधोदक तो इतना लगाते कि ऊपर से नीचे तक आ जाए, इतना गंधोदक। गंधोदक जहां भी जाएगा वहां पर एक निर्मल वातावरण पैदा करेगा। यदि तुम्हारे घर में गया तो निर्मल वातावरण करेगा, यदि उस गंधोदक को किसी पेड़ में सिरा दिया, पेड़ में विसर्जन कर दिया, गार्डन में डाल दिया, तो गार्डन का पेड़ का उद्धार हो जाएगा। यदि उस गंधोदक के लिए किसी ने भी ले लिया, पी लिया, तो पी लेने से कोई आपने खराब चीज तो पी नहीं है, ये तो गंधोदक है, गंधोदक है, अच्छी चीज है, पवित्र चीज है। इसलिए यदि कभी कोई श्रावक किसी कारण से यदि इस गंधोदक को ले भी लेता है, पी लेता है, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, इससे अपनी बीमारियां ठीक हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। गंधोदक का अपने लिए थोड़ा बहुत जो है यूज यदि है तो उसको आप उपयोग में ले सकते हैं, पी सकते हैं, कोई उसमें बाधा नहीं है, शास्त्र से कोई बाधा नहीं आती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारस जी जैन, बिकनगांव। नमस्ते स्वामी, नमस्ते, नमस्ते। बहुत 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 आशीर्वाद पारस जी। स्वामी बोलिए। पारस जी, मेरा